वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का इलोंगेशन मैकेनिज्म। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हाउ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। मतलब जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में, तो हम लोग कैसे करके बता सकते हैं कि ये लीडिंग स्ट्रैंड है और ये लैगिंग स्ट्रैंड है, ये हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि इनिशिएशन या इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन फॉर क्या होता है और उसमें क्या क्या प्रोटीन्स, क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है, ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो जहां तक हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में, वो क्या था, कंप्लीट इनिशिएशन मैकेनिज्म था, क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन का, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इसको याद रखना है। तो वहां तक कंप्लीट खत्म हो गया, क्या चीज, इनिशिएशन। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इलोंगेशन मैकेनिज्म, किसका, रेप्लिकेशन का, डीएनए रेप्लिकेशन का, किस में हम लोग बोलेंगे, बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल्स में। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, और आरएनए प्राइमर में डीएनए पोल 3 जो कि मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है वो लोड हो जाता है, तो याद रखना है उसके बाद अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, ये देखा था कि क्या हुआ था, जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है जिसको डीएनए पोल 3 बोलते हैं, वो क्या हो चुका था, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर पर लोड हो चुका था। इसका मतलब अब वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे न्यू डीएनए का सिंथेसिस करेगा, मतलब क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या चीज, इलोंगेशन मैकेनिज्म, और क्या चीज, डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो वही मैंने यहां पर लिखा है हेडिंग कि आज हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, इलोंगेशन मैकेनिज्म देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, तो ये जो इलोंगेशन मैकेनिज्म है, याद रखना है, उसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं, ट्रोम्बोन लूप मॉडल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता चलेगा अभी, डायनामिक्स ऑफ इलोंगेशन भी बोलते हैं और लूपिंग मॉडल ऑफ इलोंगेशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इलोंगेशन मैकेनिज्म इन प्रोकैरियोट्स जो डीएनए रेप्लिकेशन का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलोंगेशन मैकेनिज्म, या ट्रोम्बोन लूप मॉडल बोलती है, डायनामिक्स ऑफ इलोंगेशन बोलती है, लूपिंग मॉडल क्या चीज, इलोंगेशन बोलते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो ट्रोम्बोन लूप मॉडल या इलोंगेशन मैकेनिज्म है, ये रिलेटेड है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कैसे करके जो डीएनए पोल 3 जो मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है वो लोड होता है कहां पर, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर पर। ठीक है, उसके बाद कैसे करके इलोंगेशन होता है, कैसे करके ये लूप बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रोम्बोन लूप, और ये लूप क्यों बनता है, ये सब सारा का सारा आज हम लोग कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये सबसे पहला देखो डायग्राम में बनाया हूं यहां पर। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो कि क्या चीज है, इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसको बनाया था। ठीक है, अब देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन फॉर्क है, मतलब देखो ऐसे करके जो डीएनए का स्ट्रैंड था ना, किसका हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, उसमें क्या था, हम लोग बोलेंगे एक और ही साइट था जहां से क्या होता था, रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होता था। ठीक है, तो इनिशिएशन होने के लिए हम लोग बोलेंगे सबसे पहला प्रोटीन था जिसको क्या बोले थे, इनिशिएटर प्रोटीन, और वो इनिशिएटर प्रोटीन क्या किया था, हम लोग बोलेंगे ओरीसी में क्या किया था, हल्का सा क्या किया था, अनवाइंड किया था, तो ओरीसी कैसा दिखा, ऐसा दिखने लगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर देखो देख रहे हो तुम लोग, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसी को मैंने यहाँ पर बनाया है, देखो ध्यान से, इसी को मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अब देखिए समझिए, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने बनाया, मतलब इसका मतलब ये है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर ऐसे करके क्या होगा, ये वाला इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके सर्कुलर हो जाएगा, गोल हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वो क्या रहा था, यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि ऐसे करके इसको हम लोग ऐसे करके बीच से क्या कर देते हैं, ऐसे करके मार्क कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके समझने के लिए, ठीक है, और यहाँ से भी ऐसे करके मार्क कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको 5 प्राइम मान लेते हैं, और इधर वाले स्ट्रैंड को क्या मान लेते हैं, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम मान लेते हैं। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रैंड है उसको हम लोग मान लेते हैं 3 प्राइम, और ये वाला स्ट्रैंड क्या होगा, बट होगा 5 प्राइम होगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रैंड है इसको, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट को हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ए मान लेते हैं। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ये पार्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, और ये पार्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ए और सी, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे बी और डी, ए और सी क्या था, हम लोग बोलेंगे ए और सी क्या था, स्ट्रैंड था, लीडिंग स्ट्रैंड था। क्यों लीडिंग स्ट्रैंड था, ये हम लोगों ने देखा था, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। सी भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, और बी और डी जो देख रहे हैं आप, वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कैसा स्ट्रैंड है, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ये लैगिंग है
और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, हमेशा याद रखना जो ट्रोम्बोन लूप बनता है, ट्रोम्बोन लूप जो बनता है, ठीक है, ये ट्रोम्बोन लूप हमेशा कहां बनेगा, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में बनेगा। क्यों बनेगा अभी पता चल जाएगा, ठीक है, ये मैकेनिज्म है। तो ट्रोम्बोन लूप कहां बनेगा, लैगिंग स्ट्रैंड मतलब ये वाला स्ट्रैंड में भी बनेगा और हम लोग बोलेंगे ये वाला स्ट्रैंड में भी बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर ये समझिए, ठीक है, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। देखो यहां पर ये वाला को इसको यहां पर कर दे रहा हूं, यहां पर ऐसे करके इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर अब देखो यहां पर ये वाला जो है, ये बी जो लिखा हूं उसको यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं, जो बी लिखा हूं उसको यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, और ये जो सी लिखा हूं उसको यहां पर लिख दे रहा हूं, डी यहां पर रहने दो, ए यहीं पर रहने दो। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, अब देखो ध्यान से कि यहां पर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि हेलिकेज एंजाइम क्या किया था, हेलिकेज एंजाइम क्या किया था, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड पे लोड हुआ था या हम लोग बोलेंगे बाइंड किया था। ठीक है, तो हेलिकेज बाइंड किया था, याद कीजिए हेलिकेज किस, हेलिकेज मान लीजिए हेलिकेज ऐसे करके, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये हेलिकेज ऐसे, ठीक है, क्या चीज हेलिकेज है। ठीक है, ये वाला हेलिकेज, ये इसको हेलिकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हेलिकेज है। ठीक है, हेलिकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए भी बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहां पर भी देखिए ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हेलिकेज है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हेलिकेज है, हेलिकेज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए बी बोलते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। अब देखो ये हेलिकेज को हम लोग बोलेंगे, दो टर्मिनल थे या दो एंड था, एक एंड हम लोग बोलेंगे जो 5 प्राइम की तरफ ये था डायरेक्टेड और एक एंड किस तरफ है, 3 प्राइम एंड की तरफ डायरेक्टेड है। तो वैसा एंड जो 5 प्राइम की तरफ डायरेक्टेड है उसको हम लोगों ने क्या बोला था, उसको हम लोगों ने बोला था एंड एंड टर्मिनल। ठीक है, ये एंड टर्मिनल डोमेन है जो 5 प्राइम की तरफ है और इसके इधर जो हेलिकेज का जो एंड है, जो हेलिकेज का दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल डोमेन, जो किस तरफ हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड की तरफ है। सिमिलरली ये वाला हेलिकेज का देखो तो 5 प्राइम एंड इधर है, मतलब ये वाला क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला कौन सा, ये होगा एंड टर्मिनल डोमेन ऑफ हेलिकेज, और इधर जो 3 प्राइम एंड की तरफ देखो जो फेस कर रहा है हेलिकेज का पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल डोमेन। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब हेलिकेज क्या कर रहा था, देखो हेलिकेज क्या कर रहा था, हेलिकेज हम लोग बोलेंगे ये डीएनए के स्ट्रैंड को खोल रहा था, सेपरेट कर रहा था, और उसके साथ एंड टर्मिनल डोमेन के साथ अगर आपको याद होगा तो हम लोग बोलेंगे 3 सब यूनिट जुड़ा था, किसका किसका जुड़ा था, हम लोग बोलेंगे प्राइमेज का। ठीक है, प्राइमेज का 3 सब यूनिट जुड़ा था किसके साथ, हम लोग बोलेंगे एंड टर्मिनल डोमेन ऑफ क्या चीज, एंड टर्मिनल डोमेन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज। और प्राइमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए जी बोलते हैं। तो एंड टर्मिनल की तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 सब यूनिट जुड़ जाएगा, किसका हम लोग बोलेंगे प्राइमेज का, दूसरा और ये क्या चीज है, तीसरा। ये तीनों सब यूनिट जुड़ के क्या बनाता है, एक्टिव साइट बनाता है। ठीक है, और यही एक्टिव साइट में क्या जिसका फॉर्मेशन होता है, याद कीजिए क्या जिसका फॉर्मेशन होता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम लोग देखे थे। अब देखो ये जो हेलिकेज, याद रखना हमेशा किस तरफ मूव करेगा, हेलिकेज हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इधर से इधर मूव करेगा हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज का मूवमेंट याद रखना, जो डीएनए का टेम्पलेट जो है, डीएनए का स्ट्रैंड उधर किस तरह, किस डायरेक्शन में होगा, हम लोग बोलेंगे इस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ऐसे करके मैं दिखा दे रहा हूं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हेलिकेज का मूवमेंट होगा, याद रखना ऑन टेम्पलेट। ठीक है, डीएनए का जो स्ट्रैंड है या डीएनए का जो टेम्पलेट है 5 प्राइम से 3 प्राइम, उधर ही हम लोग बोलेंगे हेलिकेज का मूवमेंट होगा। उसी तरह यहां पर हेलिकेज का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, हम लोग बोलेंगे ऑन डीएनए टेम्पलेट, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम, मतलब हेलिकेज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे करके कैसे मूव करेगा। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे हेलिकेज का क्या चीज है, मूवमेंट है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, जो कि किस डायरेक्शन में होता है, हमेशा हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में हेलिकेज मूव करता है। अब हेलिकेज हमेशा याद रखना 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता है टेम्पलेट पे, लेकिन जो प्राइमेज है ना वो हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट पे, हम लोग बोलेंगे किस डायरेक्शन में मूव करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब अपोजिट टू द हेलिकेज। ठीक है, इसका मतलब प्राइमेज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, देखो ध्यान से, प्राइमेज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब अपोजिट टू द हेलिकेज, मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, ये कौन मूव करेगा, हम लोग बोलेंगे प्राइमेज मूव करेगा, प्राइमेज मूवमेंट। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्राइमेज मूवमेंट है। सिमिलरली प्राइमेज हम लोग बोलेंगे ये जो प्राइमेज है ये स्ट्रैंड है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमेज मूवमेंट, क्या बोलेंगे, प्राइमेज मूवमेंट। ठीक है, अपोजिट टू द हेलिकेज होता है, याद रखना अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द हेलिकेज होता है, ऑन डीएनए टेम्पलेट या हम लोग बोल सकते हैं ऑन टेम्पलेट। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि हम लोग बोलेंगे ये प्राइमेज जो है ना, ठीक है, ये प्राइमेज मूव करता है इस तरफ, हेलिकेज मूव करता है इस तरफ, मतलब हेलिकेज 5 प्राइम से 3 प्राइम जाएगा, प्राइमेज 3 प्राइम से 5 प्राइम आएगा। ठीक है, लेकिन प्राइमेज याद रखना हमेशा जो आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है, इसको याद रखिएगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करेगा, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, याद रखना है इसको।
प्राइमेज यहाँ पर क्या करेगा, 5' से 3' डायरेक्शन में क्या करेगा, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में होगा, हम लोग बोलेंगे, देख लो ध्यान से, आरएनए प्राइमर का जो फॉर्मेशन होगा किस डायरेक्शन में होगा, हम लोग बोलेंगे 5' to 3' डायरेक्शन में होगा, मतलब अपोजिट टू द क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जो टेम्पलेट का, टेम्पलेट डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। देख लीजिए 5' to 3' ये टेम्पलेट का ये है पोलैरिटी, तो यहां पर आरएनए प्राइमर किस डायरेक्शन में बन रहा है, हम लोग बोलेंगे 5' to 3', मतलब इसके अपोजिट बन रहा है। तो ये कौन बने आरएनए प्राइमर को, हम लोग बोलेंगे प्राइमेज बना है, ठीक है। अब ये प्राइमेज बना दिया आरएनए प्राइमर को, तो अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग ये जानते हैं कि यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां पर ये क्या होगा, ये जो प्राइमेज एंजाइम है वो प्राइमेज एंजाइम जैसे ही हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर को बना लेता है, तो वो प्राइमेज एंजाइम क्या हो जाता है, हट जाता है। देखो ये प्राइमेज एंजाइम क्या होगा, हेलिकेज से हट जाएगा ऐसे करके, ठीक है, हेलिकेज से हट जाएगा। तो हेलिकेज से इसीलिए हट जाएगा क्योंकि हेलिकेज अपने काम को क्या सके, ये क्या कर सके, एफिशिएंटली कर सके। तो अब हेलिकेज क्या होगा, यहाँ पर तो हेलिकेज रहेगा नहीं, वो मूव करके कहाँ पहुंच जाएगा, हम लोग बोलेंगे इधर कहीं पहुंच जाएगा। देखो मान लो हेलिकेज यहाँ पहुंच गया, ठीक है, मूव करते हुए, ठीक है, हेलिकेज का सी टर्मिनल, ये हेलिकेज का एंड टर्मिनल, ये मूव करते हुए हेलिकेज कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। सिमिलरली ये हेलिकेज यहाँ तो रहेगा नहीं, ये हेलिकेज मूव करके कहाँ पहुंच जाएगा, आगे स्टैंड में पहुंच जाएगा। मान लो ये हेलिकेज यहाँ पहुंच गया मूव करके, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एंड टर्मिनल, ये सी टर्मिनल है हेलिकेज का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हेलिकेज तो दिखेगा नहीं, ये मूव करके आगे चला गया, तो यहाँ पर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान से ऐसा दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कैसा दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, हेलिकेज आगे चला गया, प्राइमर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये जो प्राइमर जो बना है आरएनए प्राइमर, यही सिग्नल देगा, किसको सिग्नल देगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 को सिग्नल देगा, ठीक है। ये जो आरएनए प्राइमर बना है, देखो ध्यान से, यहां पर मैं फिर से लाइन डायग्राम से बता दे रहा हूं, ये जो आरएनए प्राइमर बना है ना, ये आरएनए प्राइमर का जो 3' ओएच ग्रुप है, 3' जो ओएच ग्रुप है, वो सिग्नल होता है किसके लिए, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स के लिए। तब देखिए क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स किससे बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप से बाइंड करता है, ठीक है। किस स्टेट में बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे ओपन स्टेट में बाइंड करेगा, ठीक है, ये मैंने बताया था। और ओपन स्टेट को मेंटेन करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स में AAA प्लस डोमेन होता है, जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, ATP जुड़ा हुआ रहेगा। कितना ATP, हम लोग बोलेंगे 3 ATP जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और ये ATP अगर जुड़ा हुआ रहेगा, तो याद रखना है क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स बीटा क्लैंप से ओपन स्टेट में बाइंड किया, मतलब बीटा क्लैंप को ये हमेशा ओपन स्टेट में ही रखाएगा। अगर बीटा क्लैंप ओपन स्टेट में रहेगा, तो कभी भी हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 जो एंजाइम है, जो मेन एंजाइम है, उसको सिग्नल नहीं मिलेगा, कभी भी सिग्नल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि डीएनए पोल 3 को हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर पर लोड करने के लिए क्या होना पड़ेगा, बीटा क्लैंप को क्या कौन से स्टेट में जाना होगा, हम लोग बोलेंगे क्लोज स्टेट में जाना होगा, ठीक है। तो क्लोज स्टेट में जाने के लिए देखो ये सब जितना भी काम हो रहा है, ये सब सारा का सारा डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में हो रहा है, ठीक है। ये जो क्लोज स्टेट में जाने के लिए क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, जिसकी वजह से क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स में हम लोग बोलेंगे जो AAA प्लस डोमेन होता है, उसके पास ATPase एक्टिविटी रहता है, वो ऑन हो जाता है। और ये ATPase एक्टिविटी ऑन होने की वजह से जो ATP बाइंड किया हुआ था क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स से, उसका हाइड्रोलिसिस होता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जिससे क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। और वो एनर्जी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे जो बीटा क्लैंप ओपन स्टेट में ना, इस बीटा क्लैंप को क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे क्लोज स्टेट में ला देता है, क्लोज स्टेट में ला देता है, ठीक है। और जैसे ही क्लोज स्टेट में ला दिया, सारा का सारा यहाँ होगा डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में, डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में, यही होगा सर सारा जगह, जहां जो आरएनए प्राइमर बनेगा वहां वहां यही मैकेनिज्म चलेगा। अब क्लोज स्टेट में आ जाएगा, तो क्लोज स्टेट किसके लिए सिग्नल होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 के लिए सिग्नल होता है कि डीएनए पोल 3 तुम कहां पर लोड हो जाओ, हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में या आरएनए प्राइमर पर लोड हो जाओ। अब जैसे ही लोड हो जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस को कंटिन्यू कर देगा, ठीक है, मतलब नया डीएनए को बनाने लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे चेन इलोंगेशन, ठीक है। चेन इलोंगेशन क्यों बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इलोंगेशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो यही हमेशा, यही वाला कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होगा, हमेशा यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या चीज समझा रहा हूँ, देखो अब मुझे समझाना क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन मैकेनिज्म समझाना है, ट्रोम्बोन लूप मॉडल समझाना है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, इलोंगेशन मैकेनिज्म, इलोंगेशन कब स्टार्ट होगा, जब डीएनए पोल 3 जो मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम, वो कहां लोड हो जाए, हम लोग बोलेंगे कहां पर लोड हो जाए, कहां पर लोड हो जाए, हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में, डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में लोड हो जाए, ठीक है, तभी याद रखना इलोंगेशन स्टार्ट होगा। तो देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ऐसे करके देखो, ये जो पार्टन है ये वाला, इसका हाफ पार्ट है, ठीक है ना, एक याद रखना है, देखो इसको, ये वाला जो है ना, ये क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन फॉर्क है,
ठीक है। इसमें देखो ध्यान से हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो फॉर्क का पार्ट है, इस तरफ वाला पार्ट को यहां पर मैं देखो यहां पर मैग्नीफाई करके बनाया हूं यहां पर, ठीक है। जैसा इसमें चलेगा वैसे इसमें भी चलेगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो पार्ट है इसमें भी सेम चलेगा जैसा इसमें चलेगा। कोई एक को दिखा के मैं समझा रहा हूँ, क्या चीज़, इलोंगेशन मैकेनिज्म या स्ट्रॉन्ग बोन लूप मॉडल। तो मैं ये वाला पार्ट को देखो यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, देखिए ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट का कौन सा एंड होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला 5' एंड होगा। इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे देखो 3' एंड है ये वाला, ठीक है। अब नीचे वाला पार्ट देखो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर 5' एंड है और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बट ओबियस 3' एंड होगा, ठीक है, ऐसे दिखेगा। अब देखिए, अब समझिए, यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। देखो ध्यान से 5', 3' OH, ठीक है, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो हेलिकेज जो है लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, और लैगिंग स्ट्रैंड में याद रखना है जगह जगह क्या होता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मैं एक ऐसे करके मैं मार्क कर दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये मान लो फर्स्ट यहाँ पर मार्क कर दिया मैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैं क्या किया, हम लोग बोलेंगे सेकंड मार्क कर दिया। यहाँ पर मान लो कि मैं क्या किया, यहाँ पर थर्ड मार्क कर दिया और यहाँ पर मान लो क्या कर दिया, हम लोग बोलेंगे फोर्थ मार्किंग कर दिया, ठीक है। ऐसे करके ये जो मार्किंग है ना, ये मार्किंग ये बता रहा है कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड में क्या बनेगा, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब देखो आरएनए प्राइमर क्या फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, मतलब 1 में भी होगा, 2 में भी होगा, 3 में भी होगा, 4 में भी होगा, ठीक है। तो जब ये हेलिकेज यहाँ पर था, ठीक है, तो हेलिकेज क्या किया, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन किया। अब वो हेलिकेज जैसे ही यहाँ पर पहुंचा होगा, ये वाला प्लेस पे जहां पर मैंने वाला लिखा है, वहां पर हेलिकेज जैसे ही पहुंचेगा, देखो ऐसे बता रहा, जैसे अब हेलिकेज यहाँ था ना, तो अब हेलिकेज मान लो यहाँ पर आ गया, ठीक है। हेलिकेज जैसे ही यहाँ पर आएगा तो हेलिकेज फिर क्या करेगा, देखो ध्यान से, फिर हेलिकेज क्या करेगा, प्राइमेज एंजाइम से जुड़ेगा यहाँ पर, मतलब हेलिकेज के एंड टर्मिनल से क्या जुड़ेगा, प्राइमेज जुड़ेगा। ये हेलिकेज का एंड टर्मिनल है, ये हेलिकेज का सी टर्मिनल है। जैसे ही प्राइमेज से जुड़ेगा तो प्राइमेज यहाँ पर फिर क्या करेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन कर देगा इस डायरेक्शन में, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हेलिकेज यहाँ रहेगा तो नहीं, आरएनए प्राइमर बनने के बाद हम लोग बोलेंगे प्राइमेज एंजाइम तो हट जाता है और हेलिकेज मूव करके कहाँ पहुंच जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये वाले प्लेस पे जहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मार्किंग क्या है, 2 प्लेस पर पहुंच जाएगा हेलिकेज। अब 2 प्लेस पर पहुंचेगा तो वहां पर फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कौन जुड़ेगा हेलिकेज के साथ, प्राइमेज एंजाइम जुड़ेगा, ठीक है, प्राइमेज एंजाइम जुड़ेगा और ये प्राइमेज एंजाइम यहां पर फिर से क्या करेगा, क्या करेगा, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहां पर जो यहां पर पहला ये प्लेस है, यहां पर क्या है, दूसरा प्लेस है, यहां पर भी क्या बन गया, देखो ध्यान से, यहां पर भी क्या बन गया, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहां पर भी क्या हो गया, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो गया। अब ये हेलिकेज यहाँ तो रुकेगा नहीं, ये हेलिकेज कहाँ चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे मूव करते हो कहाँ चला जाएगा, पोजीशन 3 पे चला जाएगा और यहाँ पर फिर क्या करेगा, फिर प्राइमर जुड़ेगा, फिर क्या बनेगा, प्राइमर आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यही को मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे क्या बना है, यहाँ पर देखो क्या बना है, हम लोग बोलेंगे 5', 3' ये आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, ये क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर है, ठीक है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे ये पहला वाला पोजीशन है, ये क्या चीज, हम लोग बोलेंगे दूसरा वाला मान लो पोजीशन है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या बना है, देखो ध्यान से, फिर यहाँ पर क्या बना, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। देखो 5' या 3' OH। अब हेलिकेज मूव करके कहाँ पहुंच जाएगा, हम लोग बोलेंगे तीसरा वाला प्लेस पर पहुंच जाएगा। देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये हेलिकेज है, ठीक है। हेलिकेज को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, मूविंग हेलिकेज है, ठीक है। ये हेलिकेज को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे करके, ठीक है। ये हेलिकेज है, ये हेलिकेज का क्या है, एंड टर्मिनल डोमेन है। ये हेलिकेज का क्या है, सी टर्मिनल डोमेन है, ठीक है। ये हेलिकेज है, याद रखना है, ये मूविंग हेलिकेज है, मूविंग हेलिकेज मतलब ये मूव कर रहा है स्टैंड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीजें, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये थर्ड तीसरा पोजीशन है जहाँ पर आरएनए प्राइमर बनेगा, मान लो ये चौथा पोजीशन है ये वाला जहाँ पर आरएनए प्राइमर बनेगा, ठीक है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज, हेलिकेज मूव कर रहा है ऐसे करके, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मूविंग हेलिकेज लिख दे रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, मूविंग सब कुछ एक ही जैसा है, ठीक है, मूविंग हेलिकेज। और जैसा इसमें होगा सेम हम लोग बोलेंगे यूकेरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के एलोंगेशन में भी ऐसे ही होगा। अब देखो अब क्या चीज है, मूविंग हेलिकेज, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में ऐसे करके इस डायरेक्शन में मूव करता चला जा रहा है। तो ये यहाँ पर क्या किया, प्राइमेज से जुड़ के हेलिकेज क्या कर दिया, हम लोग बोलेंगे प्राइमेज एंजाइम यहाँ पर क्या कर दिया, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे कि क्या होगा कि यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जहां जहां प्राइमर है वहां वहां क्या लोड होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम, जिसको डीएनए पोल 3 बोलते हैं, तो उसको सिग्नल कौन देगा। तो देखो यहाँ पर क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ये आरएनए प्राइमर है, सब कुछ एक ही जैसा चलेगा, आरएनए प्राइमर है, ये भी क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है।
और हम लोग ये जानते हैं कि ये जो स्ट्रैंड है वो कौन सा स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि इसमें मल्टीपल आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन, सॉरी लैगिंग स्ट्रैंड है क्योंकि इसमें मल्टीपल आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या चीज है, लैगिंग स्ट्रैंड है। और बट ओके से ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, किसमें, लीडिंग स्ट्रैंड में, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अब होगा क्या कि यहां पर जो आरएनए प्राइमर बना है, ठीक है, ये वाला देखो, ये कोई भी आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर के पास क्या चीज है, देखो ध्यान से, 3 प्राइम ओएच फ्री है, ठीक है, 3 प्राइम ओएच फ्री है। अब ये 3 प्राइम ओएच जो फ्री है ना, ये किसको सिग्नल देगा, ठीक है, ये किसको सिग्नल देगा, तो हम लोग बोलेंगे ये सिग्नल देगा किसको, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को सिग्नल देगा, ठीक है, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को सिग्नल देगा। तो मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं यहां पर बना रहा हूं क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को, देखो ध्यान से ऐसे करके, ठीक है, यहां पर मैं बना रहा हूं, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, मान लो ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का कौन सा, ये हम लोग बोलेंगे सबयूनिटी डेल्टा, डेल्टा प्राइम, ठीक है, ऐसे करके डेल्टा, डेल्टा प्राइम, ठीक है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये टाउ सब यूनिट है, ये भी क्या चीज है, टाउ सब यूनिट है, ये भी क्या चीज है, टाउ सब यूनिट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सब आर में, ठीक है, ये सब आर में, जो किससे निकला हम लोग बोलेंगे, टाउ सब यूनिट से निकला, ठीक है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या है, आर में, जो कि किससे निकला हम लोग बोलेंगे, टाउ सब यूनिट से निकला है। और यहाँ पर देखो ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये भी क्या चीज है, आर में, जो कि किससे निकला हम लोग बोलेंगे, टाउ सब यूनिट का आर में, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है, क्लैंप लोडर, ठीक है। टाउ सब यूनिट जो होता है ना, ये टाउ सब यूनिट जो होता है, इसके पास हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट्स होता है, जिसको AAA प्लस डोमेन बोलते हैं करके, ठीक है, ये सब क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट्स, या हम लोग बोलेंगे AAA प्लस डोमेन। तो मैं इसको मैग्नीफाई करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, केवल टाउ सब यूनिट को देखो, ये वाला पहला टाउ सब यूनिट है, ठीक है, ये दूसरा टाउ सब यूनिट है, और ये तीसरा टाउ सब यूनिट है, टाउ सब यूनिट, टाउ सब यूनिट, टाउ सब यूनिट। और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे टाउ सब यूनिट में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एटीपी बाइंडिंग साइट्स है, एटीपी बाइंडिंग क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साइट, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग AAA प्लस डोमेन भी बोलते हैं, AAA प्लस डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, और हम लोग बोलेंगे यहां पर भी होगा। देखो भाई, मैंने यहां पर थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया, ठीक है, यहां पर से आर्म निकलेगा, ये आर्म को मैं नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो टाउ सबमिट में जो AAA प्लस डोमेन ना, इसके पास अगर ना एटीपीएज एक्टिविटी है, लेकिन अभी ये एटीपीएज एक्टिविटी टर्न ऑफ है, अभी ये एटीपीएज एक्टिविटी टर्न ऑफ है, क्यों टर्न ऑफ है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो बाइंडिंग साइट है ना, एटीपी बाइंडिंग साइट है, AAA डोमेन, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एटीपी जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ, हम लोग बोलेंगे एटीपी जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, एटीपी जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एटीपी जुड़ा हुआ, उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, जैसे दिखा रहा हूँ ऐसे करके रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, एटीपी है, ये भी क्या चीज है, एटीपी है, ये भी क्या चीज है, एटीपी, देखो यहाँ पर यही वाला को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, देखो सबसे पहले क्या होगा, जो आरएनए प्राइमर बनाना, ये आरएनए प्राइमर का जो 3 प्राइम ओएच ग्रुप है ना, वो सबसे पहले किसको सिग्नल देगा, किसको सिग्नल देगा, हम लोग बोलेंगे किसको सिग्नल देगा, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को सिग्नल देगा, ठीक है। क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को जैसे ही सिग्नल मिलेगा, तो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स किससे बाइंड कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप से बाइंड कर जाएगा। देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये बीटा क्लैंप है, मैंने बताया था बीटा क्लैंप का दो स्टेट मिलते हैं, एक को बोलते हैं ओपन स्टेट, एक को बोलते हैं क्लोज स्टेट, ठीक है। तो ये मान लो ओपन स्टेट है, ऐसे करके, ठीक है, ये ओपन स्टेट है बीटा क्लैंप का, ठीक है ना। और ओपन स्टेट से हम लोग बोलेंगे क्या होता है, क्या होता है, ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स होता है वो बाइंड कर जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रीडोमिनेंट फॉर्म जो बीटा क्लैंप का होता है वो ओपन स्टेट होता है। तो जब ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स बीटा क्लैंप से बाइंड करेगा, तो कौन सा सब यूनिट, देखो बीटा क्लैंप से बाइंड करेगा क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का डेल्टा और डेल्टा प्राइम सब यूनिट, तो ऐसे दिखेगा, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, ओपन स्टेट है, देखो बीटा क्लैंप का ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बीटा क्लैंप गोल से ऐसे होगा, ऐसे पीछे भी होगा, जिसको मैं नहीं दिखा पा रहा हूं, ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ऐसे करके ओपन स्टेट है, देखो यहां पर। अब ये ओपन स्टेट को मेंटेन कौन कर रहा है, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स में जो एटीपी बाइंड किया है ना, वही ओपन स्टेट को मेंटेन कर रहा है, किसका, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप का। और याद रखना है, जब भी कभी ओपन स्टेट में रहेगा बीटा क्लैंप, ठीक है, तो कभी भी हम लोग बोलेंगे क्या नहीं होगा, डीएनए पोल 3 लोड नहीं होगा, कहां पर, हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में या आरएनए प्राइमर पर। तो इसका मतलब हो गया कि ये क्लैंप जो है ना, बीटा क्लैंप को किस स्टेट में जाना होगा, किस स्टेट में जाना होगा, क्लोज स्टेट में जाना होगा, ठीक है। तो याद रखना, सारा का सारा काम यहां पर हो रहा है, सारा का सारा काम यहां पर हो रहा है, मतलब क्लैंप लोडर भी बाइंड किया हुआ है कहां, डीएनए आरएनए के स्टैंड, मतलब डीएनए आरएनए प्राइमर पे, और बीटा क्लैंप भी हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए प्राइमर पर है, ओपन स्टेट में, सब कुछ यहां पर है, ठीक है, मैं यहां पर दिखा रहा हूं। तो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है ना, ठीक है, ये और बीटा क्लैंप है ना, ये हल्का सा स्लाइड करेगा, ऐसे करके हल्का सा स्लाइड करेगा डीएनए आरएनए के स्टैंड में। जैसे ही हल्का सा स्लाइड करेगा, तो क्या होगा, देखो ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स जो टाउ सब यूनिट के पास जो AAA प्लस डोमेन में जो एटीपीज एक्टिविटी है ना, वो ऑन हो जाएगा, ठीक है, वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही एटीपीज एक्टिविटी ऑन हो जाएगा, तो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो टाउ सब यूनिट में जो एटीपी बाइंड किया हुआ था ना,
ये एटीपी का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, हम लोग बोलेंगे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जिसकी वजह से क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाले स्टैंड में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में क्या हो रहा है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। और एटीपी का हाइड्रोलिसिस कौन कर रहा था, हम लोग बोलेंगे क्लैंप रोटर कॉम्प्लेक्स का जो एएए प्लस डोमेन है, जिसके पास एटीपीज एक्टिविटी है वो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे क्लैंप रोटर कॉम्प्लेक्स और बीटा क्लैंप ओपन स्टेट में कहां पर जुड़ा हुआ, हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए का जो डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में जुड़ा हुआ है। तो हल्का से ये मूव किया कौन, क्लैंप रोटर कॉम्प्लेक्स और बीटा क्लैंप कहां पर, डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में, तो वो किसको एक्टिवेट कर दिया, वो मूवमेंट किसको एक्टिविट किया, हम लोग बोलेंगे एटीपीज जो एक्टिविटी है किसका, हम लोग बोलेंगे एएए प्लस डोमेन का, तो वो उसको ए प्लस डोमेन के एटीपीज एक्टिविटी ऑन हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एटीपी बाइंड किया हुआ था ना, देखो ध्यान से, ये जो टाउ सबमिट में जो एटीपी बाइंड किया हुआ था ना, वो एटीपी का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, एटीपी का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, जो मैंने यहाँ पर दिखाया सारा एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, तो उससे एनर्जी निकलेगा, और वो एनर्जी से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो बीटा क्लैंप जो ओपन स्टेट में क्या हो जाएगा, क्लोज स्टेट में चला जाएगा। तो मैं बीटा क्लैंप को ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से मैं ऐसे दिखा रहा हूँ बीटा क्लैंप को, ठीक है, ये ओपन स्टेट में था देखो अभी, ठीक है, ऐसे ये ओपन स्टेट में था, जैसे यहाँ पर क्या, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज है, ये क्लैंप रोटर कॉम्प्लेक्स इसके साथ जुड़ा हुआ, जिसको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, तो ये किस स्टेट में आ गया बीटा क्लैंप, देखो ध्यान से किस स्टेट में आ गया, हम लोग बोलेंगे क्लोज स्टेट में आ गया, ऐसे करके, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज स्टेट ऑफ क्या चीज, क्लोज स्टेट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं कि क्लोज स्टेट जब रहेगा बीटा क्लैंप का, तो किसके लिए सिग्नल होगा, डीएनए पोल 3 के लिए सिग्नल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन बाइंड कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे इसका मतलब यहाँ पर कौन बाइंड कर जाएगा, डीएनए पोल 3 जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है, किसमें, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ये कौन से एंजाइम है, ये डीएनए पोल 3 है, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डीएनए पोल 3 यहाँ पर, ये ठीक है डीएनए पोल 3। अब ये डीएनए पोल 3 का कौन सा पार्ट, हम लोग बोलेंगे क्लैंप रोटर के साथ जुड़ेगा, तो याद रखना है डीएनए पोल 3 का हम लोग बोलेंगे अल्फा सबयूनिट इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि अल्फा सबयूनिट्स के पास ही क्या पॉलीमरेज एक्टिविटी है इस, और एक्चुअल में याद रखना डीएनए पोल 3 में हम लोग बोलेंगे जो कोर पॉलीमरेज होता है या कोर एंजाइम होता है उसमें अल्फा सबयूनिट होता है, और क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन सबयूनिट होता है, और क्या होता है थीटा सबयूनिट होता है, ठीक है। लेकिन जो मेन पॉलीमरेज एक्टिविटी होता है वो किसके पास होता है, हम लोग बोलेंगे अल्फा सबयूनिट्स के साथ होता है, इसीलिए अल्फा सबयूनिट हम लोग बोलेंगे। और डीएनए पोल किसके साथ जुड़ता है, क्लैंप लोग ये बीटा क्लैंप के साथ जुड़ता है, किस स्टेट में, क्लोज स्टेट में, ठीक है। ये चीज को समझ में आ गया। अब देखो ये जैसे ही हम लोग बोलेंगे जुड़ गया कौन, डीएनए पोल 3 किसके साथ, किसके साथ, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप के साथ, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप से कौन अलग हो जाएगा, कौन अलग हो जाएगा, ये क्लैंप रोटर कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा, ठीक है, और अलग होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये तो बीटा क्लैंप तो चला गया वहां, तो यहाँ पर तो कोई बीटा क्लैंप रहेगा नहीं अब, ठीक है। देखो ध्यान से क्लैंप रोटर कॉम्प्लेक्स के पास कोई बीटा क्लैंप नहीं रहेगा, क्योंकि बीटा क्लैंप तो यहाँ चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से आया। तो ये वाला डीएनए पॉलीमरेज हम लोग बोलेंगे ये जो क्लैंप रोटर कॉम्प्लेक्स का जो टाउ सब यूनिट होता है ना, देखो वही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कैरी करता है, ठीक है, ऐसे करके देखो ये क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ठीक है। ये वाला भी हम लोग बोलेंगे ये जो टाउ जो सब यूनिट का जो आर है वो क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कैरी करेगा डीएनए पोल 3 को कैरी करेगा, ऐसे करके ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 क्यों करेगा, अभी पता चल जाएगा। ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज है, देखो ध्यान से ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, डीएनए पोल 3 है, डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। तो उसमें से हम लोग बोलेंगे ये जो मतलब क्या चीज है, क्लैंप रोटर कॉम्प्लेक्स में जो टाउ सब यूनिट का जो आर्म है उस वही आर्म से जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कहां लोड हो गया, हम लोग बोलेंगे कहां लोड हो गया, यहां पर डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में। कब लोड हुआ, जब बीटा क्लैंप क्लोज स्टेट में चला गया उस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, ऐसे डॉट 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 करके दिखा रहा हूँ, उसका मतलब समझिएगा कि इसमें लोड हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से जो यहाँ पर जो क्या था ये क्लैंप रोटर कॉम्प्लेक्स था वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके पास क्या नहीं रहेगा क्लैंप रोटर कॉम्प्लेक्स के पास, बीटा क्लैंप तो रहेगा नहीं, क्योंकि बीटा क्लैंप तो यहाँ चला गया। तो अब इमीडिएटली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इमीडिएटली अब ये क्लैंप रोटर कॉम्प्लेक्स फिर से किससे बाइंड करेगा, एटीपी से बाइंड कर जाएगा, तुरंत एटीपी से तुरंत बाइंड कर जाएगा, ठीक है। एटीपी कहां पर बाइंड करेगा, टाउ जो ये है सबयूनिट्स में जो ए एटीपी बाइंडिंग साइट या एएए प्लस डोमेन है उस डोमेन से एटीपी तुरंत बाइंड कर जाएगा। और जैसे ही एटीपी बाइंड करेगा तो ये फिर क्या करेगा, ये क्लैंप रोटर कॉम्प्लेक्स फिर से नया बीटा क्लैंप के साथ क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे जुड़ जाएगा, ऐसे करके फिर से नया बीटा क्लैंप इसके साथ क्या हो जाएगा, देखो ऐसे करके जुड़ गया, ठीक है, ओपन स्टेट में जुड़ गया, देखो जुड़ गया, ठीक है। अब जुड़ गया तो क्या फायदा हुआ, अब फायदा ये होगा कि देखो इसके नीचे भी जो स्ट्रैंड है, कौन सा स्ट्रैंड, हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, वहां भी तो क्या है, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या कराना होगा, हम लोग बोलेंगे क्या कराना होगा, डीएनए पोल 3 को लोड कराना होगा। तो ये वाला हम लोग बोलेंगे जो 3 प्राइम हो गया वो फिर से किसके लिए सिग्नल होगा, फिर से किसके लिए सिग्नल होगा, हम लोग बोलेंगे क्लैंप रोटर कॉम्प्लेक्स के लिए फिर से सिग्नल होगा,
ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्लैम रोटर कॉम्प्लेक्स। देखो अभी क्या चीज है, बीटा क्लैम के साथ ओपन स्टेट में ही जुड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लैम रोटर कॉम्प्लेक्स के साथ AAA प्लस डोमेन में ATP जुड़ा हुआ है, तो ये सारा कॉम्प्लेक्स फिर कहाँ लोड हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ, ये जो RNA प्राइमर और जो DNA है, DNA RNA प्राइमर के जंक्शन में सारा लोड हो जाएगा। ठीक है, तो लोड हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, लोड हो जाएगा तो ये वाला जो बीटा क्लैम है वो किस स्टेट में रहेगा, ऐसे करके ओपन स्टेट में रहेगा, देखो ये ओपन स्टेट में रहेगा, ओपन स्टेट में, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, क्लैम रोटर कॉम्प्लेक्स का पीछे तरफ, जिसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये वाला सारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आ गया, तो ये ओपन स्टेट में बीटा क्लैम है, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो बीटा क्लैम जो ओपन स्टेट में, इसको क्लोज स्टेट में जाना होगा, तभी जाके यहाँ पर क्या लोड होगा, हम लोग बोलेंगे क्या लोड होगा, DNA पॉजिटिव लोड होगा, मेन एंजाइम। तो अब क्लोज स्टेट में कैसे जाएगा, क्लोज स्टेट में जाने के लिए हम लोग बोलेंगे जो क्लैम रोटर कॉम्प्लेक्स है और जो बीटा क्लैम जो ओपन स्टेट में हल्का सा स्लाइड करेगा, किस में हम लोग बोलेंगे, DNA RNA के स्टैंड में हल्का सा स्लाइड करेगा, जिसकी वजह से ये स्लाइडिंग की वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो क्लैम रोटर कॉम्प्लेक्स में जो टाउ सबयूनिट में जो AAA प्लस डोमेन है, इसका जो ATPase एक्टिविटी वो ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये जो ATP से जुड़ा हुआ था वो ATP का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, सेम वही हाइड्रोलिसिस होगा, तो उससे एनर्जी निकलेगा, और वो एनर्जी क्या करेगा, ये जो ओपन जो बीटा क्लैम है उसको क्या करा देगा, क्लोज करा देगा। अब ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्लोज स्टेट आ गया, किसका क्लोज स्टेट आ गया, हम लोग बोलेंगे किसका, बीटा क्लैम का, ठीक है, बीटा क्लैम क्लोज स्टेट में आ गया। जैसे ही बीटा क्लैम क्लोज स्टेट में आएगा तो अब ये किसके लिए सिग्नल होगा, हम लोग बोलेंगे इसके लिए DNA पोल 3 के लिए सिग्नल होगा, तो ये DNA पोल 3 तुरंत का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर लोड हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। DNA पोल 3 जब लोड होगा तो DNA पोल 3 का कौन सा सब यूनिट बीटा क्लैम के साथ मतलब एसोसिएटेड रहेगा, अल्फा सब यूनिट, ठीक है, क्योंकि अल्फा सब यूनिट हम लोग बोलेंगे DNA पोल 3 का ही क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वैसा सब यूनिट होता है या कोर एंजाइम या कोर पॉलीमरेज होता है अल्फा सब यूनिट, जो कि क्या करता है DNA का सिंथेसिस करता है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे डेल्टा भी, यहाँ पर सॉरी अल्फा सब यूनिट होता है, एप्सिलॉन सब यूनिट होता है, और हम लोग बोलेंगे थीटा सब यूनिट्स भी होगा, लेकिन मेन काम किसका है, हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट्स का ही काम होता है, ठीक है। तो लोड हो जाएगा, जैसे ही हम लोग बोलेंगे लोड हुआ कौन DNA पोल 3, ठीक है, वैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो क्लैम रोटर था वो क्लैम रोटर किससे हट जाएगा, ये जो बीटा क्लैम था उससे हट के फिर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ पर इसके पास तो कोई बीटा क्लैम रहेगा नहीं, ठीक है, देखो ध्यान से, क्योंकि बीटा क्लैम तो यहाँ अचर चला गया, तो इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे ATP का हाइड्रोलिसिस हुआ था, तो इमीडिएटली अब हम लोग बोलेंगे क्लैम रोटर कॉम्प्लेक्स फिर से तुरंत ATP से बाइंड करेगा, फिर जैसे ही ATP से बाइंड करेगा तो फिर से वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे नया क्या क्या करेगा, जो बीटा क्लैम है उससे जाकर तुरंत ये हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है, फिर से क्या हुआ, बीटा क्लैम से बाइंड करके ओपन स्टेट में, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो, बताने का मतलब ये हो रहा है कि कि मैं इसको ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये वाला जो DNA पॉलीमरेज यहाँ लोड हुआ, तो इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ये जो आर्म है, ठीक है ना, ये आर्म को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, ये वाला DNA पॉलीमरेज 3 ये वाला आर्म से आया, ठीक है, और ये वाला DNA पॉलीमरेज 3 हम लोग बोलेंगे ये जो आर्म है उससे आया, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये आर्म को इसको मिटा दे रहा हूँ और डायरेक्ट इसको कैसे दिखा दे रहा हूँ, ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला DNA पॉलीमरेज 3 यहाँ आ गया, ठीक है। अभी भी देखो एक DNA पॉलीमरेज 3 इसके पास रिजर्व बचा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर या एडिशनल क्या चीज, DNA पोल 3, ठीक है। और ये जो बीटा क्लैम जो नया इसके साथ जुड़ा हुआ ओपन स्टेट में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फीयर क्या बोलेंगे, स्फीयर या एडिशनल क्या चीज, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है, ये बाद में काम आएगा। तो ऐसे करके दिखेगा स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर हुआ। अब देखो अब क्या होगा, ठीक है, मैं अब ये बताने जा रहा हूँ अब क्या होगा, कैसे करके ट्रोम्बोन लूप बनेगा, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे, देखो अब मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, देखो ये वाला इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर ये पोर्शन को मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर इसका कुछ काम नहीं, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला को भी मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, उसका भी कुछ काम है नहीं, ठीक है, आप लोग समझ के होंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब ये जो है DNA पोल 3 जो कि लैगिंग स्ट्रैंड में, ये यहाँ तो रहेगा नहीं, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, मूव करने स्टार्ट करेगा, किस तरह, किस डायरेक्शन में मूव करेगा DNA पोल 3, ठीक है। तो DNA पोल 3 देखो ध्यान से ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, डॉट 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 करके दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये समझ जाइए कि DNA पोल 3 क्या, और हम लोग बोलेंगे मूव कर रहा आगे की तरफ ऐसे करके, ठीक है, मूव कर रहा है। सिमिलरली DNA पोल 3 यहाँ तो रहेगा नहीं, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे आगे लीडिंग स्टैंड में, हम लोग बोलेंगे आगे की तरफ मूव करेगा ऐसे करके, ठीक है, देखो ऐसे करके डॉट 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 करके मैं दिखा रहा हूँ, कैसे करते हैं, मान लो ये DNA पोल 3 मूव करते हुए कहां पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे यहां पहुंच गया, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, यहां पर देखो ध्यान से, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, यहां मान लो यहां पहुंच गया मूव करते करते, कौन, हम लोग बोलेंगे DNA पोल 3 जो मेन एंजाइम है, ठीक है, यहां पर ऐसे करके ऐसे पहुंच गया, यहां ये क्या चीज है, बीटा क्लैम्प है, ठीक है,
उसी तरह सिमिलरली इसको मैं यहाँ पर लैगिंग स्टैंड को थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लैगिंग स्ट्रैंड यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये भी तो डीएनए पॉलीमरेज़ मूव करके कहाँ पहुंचेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। तो मान लीजिए मूव करते करते हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुंचा, यहाँ पर पहुंचे, इसको मैं डॉट 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 करके दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, या समझिएगा ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ये डीएनए पोल थ्री है, इसको ब्लैक कलर से दिखा दे रहा हूँ, डीएनए पोल थ्री को, क्योंकि पोल थ्री को हम लोग ब्लैक कलर से बनाए हैं, ठीक है। और इसके साथ पीछे क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ रहेगा, बीटा क्लैंप जुड़ा हुआ रहेगा ओपन, ये क्लोज स्टेटमेंट, ठीक है, इसे समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ क्या बनना स्टार्ट हो गया, हम लोग बोलेंगे यहाँ से यहाँ क्या बना दिया होगा, जब ये मूव करते क्या बना दिया होगा, हम लोग बोलेंगे नया डीएनए बनाते चला जा रहा है, ठीक है। ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे न्यू डीएनए, ये वाला न्यू डीएनए सिंथेसिस, ये वाला लीडिंग स्टैंडमेंट, ठीक है। कौन बना रहा है, हम लोग बोलेंगे कौन बना रहा है, मेन एंजाइम डीएनए पोल थ्री, ठीक है। डीएनए पोल थ्री का कौन सा सब यूनिट अल्फा सब यूनिट बना रहा है, ठीक है। और ये क्लैंप क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे अभी तक जुड़ा हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा क्लैंप। ये बीटा क्लैंप इसीलिए जुड़ा क्योंकि ये बीटा क्लैंप डीएनए पोल थ्री को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और इसका हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है डीएनए पोल थ्री का, ठीक है। किस स्टेट में ये बीटा क्लैंप क्लोज स्टेट में ही रहेगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो सिमिलरली यहाँ पर भी तो हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर भी क्या बना हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर भी क्या बना, देखो यहाँ से यहाँ जब मूव किया तो यहाँ पर क्या बना, नया डीएनए बनने लगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, बनने लगा नया डीएनए। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यू डीएनए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ न्यू डीएनए, ठीक है। फ्रैगमेंट्स में बनेगा, लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए फ्रैगमेंट्स में ही बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके होगा क्योंकि देखो यहाँ पर जितना भी चीजें याद रखने वो स्टैटिक नहीं है, वो हम लोग बोलेंगे मूविंग है, मूविंग मतलब डायनामिक्स है, ठीक है, मतलब डायनामिक है, जितना भी चीजें सब मूव कर रहा है, इसीलिए हम लोग इलोंगेशन को क्या बोलते हैं, डायनामिक्स ऑफ इलोंगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यही वाला जो स्ट्रक्चर, इसको मैं और सिंप्लीफाइड व्यू में बना दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि आगे समझा पाऊँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे करके ट्रोम्बोन बनेगा, तो ये वाला देखो, ये जो स्टैंड है ना, ये क्या चीज है, ये स्टैंड है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैगिंग स्टैंड, ऐसे करके यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या चीज है, लैगिंग स्टैंड है, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ लैगिंग स्टैंड, ठीक है। ये वाला कौन सा स्टैंड है, लीडिंग स्टैंड है, देखो ध्यान से, ये वाला कौन सा स्टैंड है, हम लोग बोलेंगे ये वाला कौन सा स्टैंड है, लीडिंग स्टैंड है, लीडिंग स्टैंड है, देखो ध्यान से यही है, ठीक है। ये वाला स्टैंड देखो इसका पोलैरिटी क्या, 5' to 3', यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ऐसे करके थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ इधर, ऐसे करते रहा हूँ। ये वाला क्या चीज है, 5' है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3', ये क्या चीज होगा, 5', ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3', देख लो ध्यान से यही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज बना हुआ है, यहाँ पर प्राइमर है, देखो ऐसे करके यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5', 3', ओवरसी आरएनए प्राइमर है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या चीज है, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी क्या हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर है, 5', 3', ओवरसी आरएनए प्राइमर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ध्यान से, क्या चीज हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर है, 5', 3', 3', OH, ठीक है। ये क्या चीज आ रहा है, प्राइमर, ये वाला आ रहा है प्राइमर को यहाँ बनाया हूँ, ठीक है। अब देखो आप क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड में बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे गोल कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स, CLC मतलब क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स किससे जुड़ा हुआ, देखो ध्यान से, बीटा क्लैंप से जुड़ा हुआ, किस स्टेट में, ओपन स्टेट में, तो इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर बीटा क्लैंप को ऐसे करके ओपन स्टेट में दिखा रहा हूँ। ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बीटा क्लैंप है। ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बीटा क्लैंप है, किस स्टेट में, हम लोग बोलेंगे ओपन स्टेट में, ठीक है। देखो ये ओपन स्टेट में। अब देखो ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे, ये जो टाउ सब यूनिट्स है, इससे क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे तीन आर्म्स निकला, ठीक है, देखो ध्यान से, तीन आर्म्स निकला, ठीक है। एक आर्म को मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, दूसरा आर्म यहाँ पर है, देखो यहाँ से, एक आर्म क्या है ऐसे करके यहाँ है, दूसरा आर्म क्या है यहाँ पर है, तीसरा आर्म क्या है यहाँ पर है, ठीक है। तो अब देखो यही तो मतलब यहाँ ये वाला डायग्राम देखो, यही तो डीएनए पोल थ्री मतलब पॉलीमरेज़ थ्री यहाँ पहुंचाना, यही तो डीएनए पोल थ्री यहाँ पहुंचाना, मतलब इसका आर्म भी क्या है यहाँ पर पहुंचा होगा ऐसे करके यहाँ तक, ये वाला आर्म के साथ जुड़ा हुआ डीएनए पोल थ्री, वो भी कहाँ तक पहुंचा होगा, ये आर्म यहाँ तक पहुंचा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या चीज, ये वाला मूविंग डीएनए पोल थ्री को बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, ये है बीटा क्लैंप, ठीक है, जो कि क्लोज स्टेट में है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल थ्री, ऐसे करके ये क्या है डीएनए पोल थ्री, ये वाले स्टैंड में, यहाँ पर डीएनए पोल थ्री कहाँ पहुंचा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर पहुंचा, ये क्या चीज है डीएनए पोल थ्री है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, ये बीटा क्लैंप है, ऐसे करके जो कि क्लोज स्टेट में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेबलिंग कर दे रहा हूँ, ये क्या है हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल थ्री, ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे
बीटा क्लैंप है, ठीक है, ये क्या चीज है, बीटा क्लैंप, किस फॉर्म में याद रखना है, क्लोज स्टेट में, सीएस मतलब क्लोज स्टेट में, ठीक है ना। उसी तरह यहां पर भी देखो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्टेट में, ये बीटा क्लैंप है, ठीक है, ये किस स्टेट में, क्लोज स्टेट में, सीएस मतलब याद रखिए क्लोज स्टेट। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए पोल 3 है, डीएनए पोल 3, ठीक है, याद रखना, जो कि मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है और अल्फा सबयूनिट से जुड़ा हुआ है, कौन, डीएनए पोल 3 का हम लोग बोलेंगे, डीएनए पोल 3 का अल्फा सबयूनिट जुड़ा हुआ है बीटा क्लैंप के साथ, ठीक है, अल्फा सबयूनिट के पास ही क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पॉलीमरेज एक्टिविटी है। इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे इसके पास और दो सबयूनिट होता है, एक को बोलते हैं एप्सिलॉन, एक को बोलते हैं थीटा, एक को बोलते हैं एप्सिलॉन, एक को बोलते हैं थीटा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये यहां से यहां पहुंच गया, इसका मतलब यहां पर क्या बना होगा, नया डीएनए बना हुआ, देखो ध्यान से, आरएनए प्राइमर से क्या हुआ, नया डीएनए बनाते जा रहा है, कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये न्यू डीएनए बनाते चला जा रहा है। तो मैं यहां पर क्या लिख दे रहा हूं, न्यू डीएनए, ठीक है, न्यू डीएनए, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड में देखो न्यू डीएनए। अब यहां पर देखो ये वाला, यहां से यहां पहुंच गया ना, कौन, डीएनए पोल 3 यहां से यहां पहुंच गया, इसका मतलब यहां पर भी क्या बना होगा, न्यू डीएनए बना होगा, ठीक है, ये डीएनए न्यू डीएनए को बनाते जा रहा होगा, ऐसे करके इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्या चीज है, न्यू डीएनए, न्यू डीएनए सिंथेसिस, ये वाला, ठीक है, यही है, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए क्या चीज है, अब यहां पर मैं क्या किया हूं, देखो जितना भी डीएनए पोल 3 याद रखना है, वो हम लोग बोलेंगे जो टाउ ये क्लैंप प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का जो टाउ सबयूनिट्स का जो आर बना उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये भी डीएनए पॉलीमरेज जो 3 है वो भी जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, ये आर्म से। यहाँ पर देखो ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये एक्स्ट्रा डीएनए पॉलीमरेज 3, इसको रिजर्व या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, स्फीयर डीएनए पोल 3 बोल सकते हैं, ठीक है, या एडिशनल डीएनए पोल 3 बोल सकते हैं। और ये वाला डीएनए पोल 3 भी किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे इसके आर्म से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, किसके आर्म से, क्लैंप रोटर कॉम्प्लेक्स से। तो सारा का सारा स्ट्रक्चर देखो ऐसे ही दिखेगा यहाँ पर वाला, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके बना दिया हूँ। यहाँ पर देखो ये जो डीएनए पोल 3 था ये आर्म से जुड़ा हुआ था, जब ये यहाँ मूव करेगा तो ये आर्म यहाँ पहुंच जाएगा ना, देखो इस आर्म को मैं यहाँ पर ऐसे करके दिखा सकता हूँ, इस आर्म को हटा के ऐसे करके दिखा सकता हूँ, यहाँ पर वही मैंने यहाँ पर दिखाया, ठीक है। ये आर्म के साथ डीएनए पोल 3 ये था ना जुड़ा हुआ था, जब डीएनए पोल 3 यहाँ से यहाँ पहुंचेगा ये आर्म भी तो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा ना, देखो तो ये आर्म कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा यहाँ पर ऐसा, तो यही मैंने यहाँ पर दिखाया, ठीक है। तो इसी डायग्राम का सिंप्लीफाई व्यू मैं यहाँ पर बनाया हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, मार्किंग किया था, याद करो ये क्या था, पहला जहाँ पर आरएनए प्राइमर बना था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, आप लोग बोलेंगे दूसरा जहाँ पर क्या बना था, आरएनए प्राइमर बना था, यहाँ पर लिख रहा हूँ दूसरा, देखो यहाँ पर ये वाला दूसरा जहाँ पर आरएनए प्राइमर बना था, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, तीसरा यहाँ पर क्या है, तीसरा यहाँ पर आरएनए प्राइमर बनेगा, यहाँ पर क्या है, चौथा यहाँ पर आरएनए प्राइमर बनेगा, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्या चीज है, मूविंग हेलिकेज है, देखो यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हेलिकेज मूव कर रहा है यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, ये क्या चीज है, हेलिकेज है, कौन सा हेलिकेज हम लोग बोलेंगे, डीएनए हेलिकेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बी बोलते हैं, ठीक है। इसका एक एन टर्मिनल है, इसका एक सी टर्मिनल है, ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे मूव कर रहा है, ठीक है, ये हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन मूव करता है टेम्पलेट पे, तो इधर से हेलिकेज मूव कर रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मूविंग हेलिकेज, क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग मूविंग हेलिकेज बोल रहे हैं, ठीक है। यही देखिए डायग्राम का सिंप्लीफाइड व्यू है। और ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या, आरएनए प्राइमर है, ये सब क्या, आरएनए प्राइमर है, ये सब क्या, आरएनए प्राइमर है, ये भी क्या चीज है, आरएनए प्राइमर है, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये चीज हो रहा है कि यहाँ पर वाला देखो पोजिशन जो है ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ तक, ये वाला पहला था ना, ये वाला यहाँ पर क्या बना, अब अगले डायग्राम में देखो कैसे ट्रोमोल लूप बनता है, क्यों बनता है, ये पहला पोजीशन यहाँ पर आरएनए प्राइमर बना है, ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा पोजीशन है यहाँ पर आरएनए प्राइमर बना है। अब हेलिकेज इसको भी तो खोल देगा, यहाँ पर हेलिकेज तो खोलता चला जाएगा, किसको हम लोग बोलेंगे, डीएनए के स्ट्रैंड को, हेलिकेज क्या करता चला जाएगा, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड इसको खोलता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बना होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बना होगा, यहाँ पर भी क्या बना होगा, हम लोग बोलेंगे क्या बना होगा, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पर भी आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ होगा, मतलब ये तीसरा पोजीशन यहाँ पर है, देखो खुल गया, ये डीएनए यहाँ पर क्या होगा, ओपन होगा, ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे चौथा वाला, ये चौथा पोजीशन यहाँ पर क्या बनेगा, आरएनए प्राइमर बनेगा, ठीक है। और हेलिकेज कहाँ पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज कहाँ पहुंच गया, देखो ध्यान से हेलिकेज कहाँ पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज पहुंच गया कहाँ पर, यहाँ पर जब इसको ओपन करते हैं कहाँ पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर पहुंच गया हेलिकेज 3 और 4 के बीच में, ये एंड टर्मिनल है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल है, हेलिकेज मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है, याद रखना है हेलिकेज मूविंग, मैं लिख दे रहा हूँ हेलिकेज मूविंग, ठीक है, हेलिकेज मूविंग।
अब देखिए अब क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये हेलिकेज है, ये तो मूव कर रहा है अपना, मूविंग हेलिकेज है, हेलिकेज मूविंग या मूविंग हेलिकेज। तो यहाँ पर देखो मैं ये प्राइमर को बना रहा हूँ, नंबर वन पोजीशन पे क्या हो गई है, आरएनए प्राइमर 5 प्राइम 3 प्राइम, समझ जाएगा 5 प्राइम 3 प्राइम हो गए। यहाँ पर ये वाला प्राइमर को बना रहा हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से ये वाला प्राइमर को 5 प्राइम 3 प्राइम हो गए, ठीक है। ये वाला स्टैंड क्या चीज है, जहाँ पर मल्टीपल प्राइमर बन रहा है वो कौन सा स्टैंड हम लोग बोलेंगे, वो कौन सा स्टैंड है, लैगिंग स्टैंड है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लैगिंग स्टैंड, ठीक है। ये वाला कौन सा स्टैंड होगा, हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्टैंड होगा, लीडिंग स्टैंड, ये लीड करेगा, ठीक है, इसलिए इसको लीडिंग स्टैंड क्यों लीड करेगा ये पता चलेगा। अब देखो अब यहाँ पर क्या होगा, लीडिंग स्टैंड में तो एक ही आरएनए प्राइमर बनेगा, लेकिन लैगिंग स्टैंड में क्या होगा, मल्टीपल आरएनए प्राइमर बनेगा। तो ये वाला देखो डायग्राम को मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या है, दूसरा आरएनए प्राइमर है 5 प्राइम 3 प्राइम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर जब तीसरा पोजिशन पे हेलिकेज पहुंचा होगा, देखो ध्यान से हेलिकेज तो ऐसे ही मूव कर रहा ना, जब यहाँ पर तीसरा पोजिशन पे देखो ध्यान से, यहाँ पर थर्ड पोजिशन में ऐसे यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ तीसरा पोजिशन, ये वाला तीसरा पोजिशन है, यहाँ पर जब हेलिकेज पहुंचा होगा ना तो क्या हुआ हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या हुआ हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या हुआ होगा, फिर से हेलिकेज जो एंजाइम है ना उससे कौन जुड़ा होगा, उसके एंड टर्मिनल से हम लोग बोलेंगे प्राइमेज एंजाइम जुड़ा होगा ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्राइमेज एंजाइम है, ये क्या चीज है, प्राइमेज है, ठीक है, जिसको डीएनए जी बोलते हैं। कौन से टर्मिनल से जुड़ा होगा, एंड टर्मिनल से जुड़ा होगा हेलिकेज का, क्योंकि एंड टर्मिनल के पास क्या होता है, प्राइमेज को बाइंड करने वाला बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से क्या हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे क्या हुआ होगा, फिर से आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फिर से आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा ऐसे करके, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम हो गए। और जैसे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ तो प्राइमेज फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज से हट जाएगा, ठीक है, प्राइमेज हेलिकेज से हट जाएगा और हेलिकेज आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो देखो हेलिकेज आगे की तरफ मूव कर गया और यहाँ पर क्या बन गया, हम लोग बोलेंगे प्राइमेज बन गया, सॉरी प्राइमर बन गया, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या चीज है, ये वाला क्या चीज है, ये वाला हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये क्लैम्प लोडर कॉम्प्लेक्स है। देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये क्लैम्प लोडर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और ये क्लैम्प लोडर कॉम्प्लेक्स से हम लोग बोलेंगे कौन जुड़ा हुआ, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या चीज है, बीटा क्लैम्प है, किस स्टेट में, हम लोग बोलेंगे ओपन स्टेट में है, ठीक है। अब ये क्लैम्प लोडर कॉम्प्लेक्स का देखो क्या क्या चीज है, तीन आर्म है, ठीक है, एक आर्म से देखो ध्यान से, एक आर्म से क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 जुड़ा हुआ है, जिसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये डीएनए पोल 3 ऐसे करके, ठीक है। दूसरा जो आर्म है देखो ध्यान से, दूसरा आर्म से हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ है, दूसरा आर्म से कौन जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे ये देखो ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3, डीएनए पोल 3 जो कि कौन से स्टैंड में काम कर रहा है, लीडिंग स्टैंड में काम कर रहा है, देखो ध्यान से यही है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप है, ये क्या चीज है, बीटा क्लैंप है, जो कि किस स्टेट में, हम लोग बोलेंगे क्लोज स्टेट में है, यही डायग्राम को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा तो यहाँ पर क्या बनाया होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 क्या बनाया होगा, हम लोग बोलेंगे नया डीएनए को बनाया होगा ऐसे करके। देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यू डीएनए है, ये वाला, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यू डीएनए, न्यू डीएनए सिंथेसिस, न्यू डीएनए एक तरह सिंथेसिस, ठीक है ऐसे करके, ठीक है। और ये मूव करेगा आगे की तरफ, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर ये वाला स्टैंड का पोलैरिटी मैं लिखने बोल गया, यहाँ पर क्या है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 5 प्राइम है, ये क्या है 3 प्राइम, यहाँ पर क्या 5 प्राइम होगा, ये क्या चीज होगा 3 प्राइम होगा, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग बोलेंगे जो अपोजिट स्टैंड है वहां पर भी देखो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा अपोजिट स्टैंड में, क्या हुआ होगा यहाँ पर जो दूसरा पोजीशन से क्या मूव कर रहा था, हम लोग बोलेंगे कौन मूव कर रहा था, डीएनए जो दूसरा पोजीशन में जो आरएनए प्राइमर बना था वहां से हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 मूव करके कहाँ जा रहा था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है। तो वो डीएनए पोल 3 कहाँ पहुंच गया, देखो ध्यान से वो डीएनए पोल 3 मान लो यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है ऐसे करके, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है यहाँ पर बीटा क्लैंप है ओपन स्टेट में, ठीक है। और ये क्या क्या बनाया, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या बना दिया, डीएनए का फॉर्मेशन किया, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे न्यू डीएनए, ये क्या चीज है न्यू डीएनए, ठीक है, फॉर्मेशन किया। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर समझिए ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है आरएनए प्राइमर है, ये वाला आरएनए प्राइमर है, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर है, जो मैं रेड कलर से दिखाया वो आरएनए प्राइमर है, ठीक है। अब देखो अब ये वाला डीएनए जब इस तरफ मूव कर रहा था तो ये आर्म भी तो मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रेच होगा ऐसे करके, ठीक है। कौन सा आर्म, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का जो टाउ सब यूनिट होता है उसका आर्म क्या होगा ऐसे करके स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे आर्म क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे आर्म क्या हो रहा है स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। आर्म क्या हो रहा है स्ट्रेच हो रहा है,
लेकिन ये आर्म स्ट्रेच नहीं होगा क्योंकि आर्म का जो लेंथ होता है ना वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लिमिटेड लेंथ होता है इसका, ठीक है। आर्म का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, वो स्ट्रेच तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि अब हम लोग बोलेंगे कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल थ्री आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल थ्री तो इस तरफ मूव करता चला जा रहा है, ठीक है। अगर डीएनए पोल थ्री इस तरफ मूव करता चला जाएगा तो ये आर्म जो है ना, ये आर्म पे क्या होगा, स्ट्रेच होगा। लेकिन ये आर्म पे स्ट्रेच होगा नहीं क्योंकि ये आर्म का क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लिमिटेड लेंथ है। तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसी को कंपनसेट करने के लिए लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या हो जाता है, लूप का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रोम्बोन लूप। और इस लूप की वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये आर्म का जो लेंथ होगा ना वो हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, वो स्ट्रेच नहीं होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो आर्म है, ठीक है, ये आर्म और हम लोग बोलेंगे ये जो प्राइमर है, ये हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के क्लोज रहेगा, ताकि हम लोग बोलेंगे ये वाला आर्म स्ट्रेच नहीं हो, ठीक है, क्योंकि इसका लेंथ लिमिटेड है। इसीलिए हम लोग बोले यहाँ पर क्या बनेगा, लूप बनेगा। तो लूप बनेगा तो फायदा क्या होगा, अगर यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड में लूप बनेगा तो फायदा ये होगा कि डीएनए पोल थ्री ना और हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर और ये जो आर्म है ना वो एक दूसरे के हम लोग बोलेंगे बहुत क्लोज रहेगा, जिसकी वजह से आर्म स्ट्रेच नहीं होगा और डीएनए पोल थ्री आसानी से मूव कर पाएगा। किसमें हम लोग बोलेंगे, कौन से स्टैंड में, ये वाला लैगिंग स्ट्रैंड में क्या बना पाएगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए बना पाएगा, नया डीएनए को बना पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि ट्रोम्बोन लूप क्यों बनता है लैगिंग स्ट्रैंड में, देखो क्यों बनता है, इसीलिए बनता है क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का जो टाउ सबयूनिट्स का जो आर्म होता है, ठीक है, वो आर्म हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल थ्री से जुड़ा होता है, ठीक है। और ये जो आर्म होता है इसका जो लेंथ होता है वो लिमिटेड होता है, आर्म स्ट्रेच नहीं करेगा क्योंकि इसका लेंथ लिमिटेड है। अगर हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल थ्री लैगिंग स्ट्रैंड में मूव करता चला जाएगा, करता चला जाएगा तो क्या होगा, डीएनए पोल थ्री के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्या क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का आर्म जुड़ा हुआ है, तो इसका आर्म भी तो स्ट्रेच करेगा ना, ठीक है, लेकिन इस आर्म को स्ट्रेच कर नहीं सकता। इसीलिए हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल थ्री क्लैंप लोडर और ये जो आर्म है उसको क्या होना पड़ेगा, दूसरे के सामने रहना पड़ेगा ताकि इसका आर्म भी स्ट्रेच नहीं हो। तो सामने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड उसमें क्या बनाना पड़ेगा, सिर्फ लूप बनाना होगा। तो लूप से फायदा ये होगा कि यहाँ पर जितना भी प्राइमर सब है, ये जितना भी प्राइमर बन रहा है वो एक दूसरे के सामने रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का आर्म और डीएनए पोल थ्री भी क्या होगा, आसानी से क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए का सिंथेसिस कर पाएगा, ठीक है। मैं जो भी बोल रहा हूं उसको मैं इस डायग्राम से समझाता हूं, देखो इसके आगे वाला डायग्राम यहां पर, ठीक है, ये डायग्राम यहां पर बनाया हूं, इसके आगे वाला डायग्राम है, ठीक है। अब देखो अब यहां पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो डीएनए पोल थ्री आसर की इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये डीएनए पोल थ्री इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है। अब देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाऊंगा ट्रोम्बोन लूप, ठीक है। तो देखो ये वाला क्या हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो स्ट्रैंड है ना, ये वाला स्ट्रैंड में प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, तो ये स्ट्रैंड में हम लोग बोलेंगे क्या बन गया, लूप बन गया। तो लूप बन गया तो फायदा क्या होगा कि आरएनए प्राइमर, डीएनए पोल थ्री और इसका जो आर्म है क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का आर्म स्ट्रेच नहीं करेगा क्योंकि इसका आर्म का लेंथ लिमिटेड है। अब देखो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये वाला जो ये है डीएनए का स्टैंड, ये क्या चीज है, 3' to 5' है, देखो ध्यान से 3' to 5' यहाँ पर मैं बना दिया। अब ये वाला क्या 5' to 3' है, देखो ध्यान से, तो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5' से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3' है, यही है, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से ये वाला क्या चीज है, ये वाला क्या आरएनए प्राइमर है, तो मैं यहाँ पर बना दे, देखो आरएनए प्राइमर ये वाला 5' to 3' ओएच, ठीक है। ये वाला जो स्टैंड है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं लीडिंग स्टैंड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, लीडिंग स्टैंड बोल रहे हैं, ठीक है। और ऊपर वाले स्टैंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऊपर वाले स्टैंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैगिंग स्टैंड, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे ट्रोम्बोन लूप बन रहा है, ठीक है। तो लीडिंग स्ट्रैंड में क्या हो रहा था, देखो ध्यान से लीडिंग स्ट्रैंड में क्या हो रहा था, कंटिन्यूअस क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे डीएनए का क्या हो रहा था, सिंथेसिस हो रहा था, ऐसे करके देखो, ठीक है, ध्यान से कंटिन्यूअस डीएनए का सिंथेसिस हो रहा था। और इसको सिंथेसिस को करवाने वाला एंजाइम कौन था, हम लोग बोलेंगे करवाने वाला एंजाइम कौन था, डीएनए पोल थ्री, डीएनए पॉलीमरेज थ्री या डीएनए पोल थ्री उसका अल्फा सब यूनिट, ठीक है। अब डीएनए पोल थ्री किसके साथ देखो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर यही डायग्राम को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये क्लैंप लोडर के साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, सॉरी ये बीटा क्लैंप के साथ जुड़ा हुआ है, बीटा क्लैंप के साथ जुड़ा हुआ है कौन, डीएनए पोल थ्री, किस स्टेट में हम लोग बोलेंगे क्लोज स्टेट में, ठीक है। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नया डीएनए का सिंथेसिस इस लीडिंग स्ट्रैंड में होता चला जा रहा है, देखो ऐसे करके ये होता चला जा रहा है, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज थ्री मूव करता चला जा रहा है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थ्री या डीएनए पोल थ्री मूव करता चला जा रहा है लीडिंग स्ट्रैंड में, ठीक है ना, लीडिंग स्ट्रैंड में।
ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, आरएनए प्राइमर है, ये क्या चीज आरएनए प्राइमर है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे कि ये जो स्ट्रैंड है यहाँ पर देखो इसी को मैं बना, यहीं पर क्या बन गया सर के लूप बन गया ना, तो जब यहाँ पर ऐसे के लूप बने होते हैं ये इसके थोड़ा क्लोज आ जाएगा, ये वाला पार्ट इसके थोड़ा क्लोज आ जाएगा, मतलब सी एल सी मतलब क्लैंप प्रोटो कॉम्प्लेक्स के क्लोज आ जाएगा, ऐसे समझिए ये क्या चीज है, ये वाला पार्ट है ना लैगिंग स्ट्रैंड, तो जब इसमें लूप बनेगा तो ये वाला पार्ट इधर क्लोज आ जाएगा तब जाके लूप बनेगा ऐसा। यही देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या बना है लूप बना है और ये क्या चीज है क्लैंप प्रोटो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या चीज है, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या चीज सबसे पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये वाला पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर है, थ्री प्राइम ओएच, ये क्या चीज है पहला आरएनए प्राइमर है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आरएनए क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्राइमर, ठीक है आरएनए प्राइमर। यहाँ पर क्या है देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा आरएनए प्राइमर होगा, देखो ये वाला देखो ये वाला ये क्या चीज है दूसरा आरएनए प्राइमर है, ये क्या चीज है फाइव प्राइम है, इस तरफ क्या होगा थ्री प्राइम ओएच होगा, ये दूसरा आरएनए प्राइमर है, देखो ध्यान से, ठीक है, मतलब ये पहला पोजीशन वाला था आरएनए प्राइमर, ये दूसरा पोजीशन वाला था, ये तीसरा पोजीशन होगा आरएनए प्राइमर, देखो यहाँ पर होगा ये तीसरा पोजीशन है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या होगा फाइव प्राइम और यहाँ पर क्या होगा थ्री प्राइम ओएच, ये तीसरा पोजीशन वाला क्या होगा आरएनए प्राइमर होगा, ठीक है। और ये क्या चीज है मूविंग हेलिकेज है, तो हेलिकेज कहाँ मूव कर रहा है, देखो ध्यान से हेलिकेज अभी मूव कर रहा है यहाँ पर, देखो ये वाला ये क्या चीज है मूविंग हेलिकेज है, ठीक है, ये मूविंग हेलिकेज है, इसका दो टर्मिनल है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे मूविंग क्या चीज हेलिकेज है, ठीक है। अब ये मूविंग हेलिकेज है देखो ध्यान से, और ये वाला पोजीशन क्या फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन देखो यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा फोर्थ पोजीशन, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे फोर्थ पोजीशन, यहाँ पर क्या बनेगा प्राइमर बनेगा, ठीक है। तो ये चीज था, यही डायग्राम को देखो यहाँ पर मैं ऐसे करके बनाया, और ये जो लूप बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं ट्रॉम्बोन लूप या ट्रॉम्बोन लूप मॉडल बोलते हैं, ठीक है, डीएनएल एप्लीकेशन, ठीक है। थोड़ा सा पर ये हो रहा है कि यहाँ पर क्या चीज है क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स, देखो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स, और ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स से क्या जुड़ा हुआ है हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप जुड़ा हुआ है, किस स्टेट में हम लोग बोलेंगे ओपन स्टेट में, बीटा क्लैंप जुड़ा हुआ है, बीटा क्लैंप जुड़ा हुआ है किस स्टेट में हम लोग बोलेंगे ओपन स्टेट में, ठीक है। ये क्या चीज है स्फीयर या एडिशनल बीटा क्लैंप है, ठीक है, याद रखिएगा ये मैंने बताया है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, देखो यहाँ पर क्या चीज है, ये वाला देखो ये जो डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये फर्स्ट प्राइमर को हिट करने वाला है, तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ डीएनए पॉलीमरेज थ्री, देखो यहाँ पर ये वाला डीएनए पॉलीमरेज थ्री है, यहाँ पर बना दे रहा हूँ, देखो ऐसे करके डीएनए पॉलीमरेज थ्री मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। और ये डीएनए पॉलीमरेज थ्री किसके साथ जुड़ा हुआ है, बीटा क्लैंप के साथ जुड़ा हुआ है, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है बीटा क्लैंप है ये वाला, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बीटा क्लैंप, याद रखना है जो किस स्टेट में क्लोज स्टेट में है, और ये क्या चीज है डीएनए पोल थ्री है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है डीएनए, क्या चीज है डीएनए पॉलीमरेज थ्री है, ठीक है। और ये सबयूनिट क्या चीज है अल्फा सबयूनिट है, जो किसके साथ जुड़ा हुआ हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप के साथ जुड़ा हुआ है, और ये क्या कर रहा है नया डीएनए को बनाते जा रहा है, कौन हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल थ्री, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यू डीएनए बनता चला जा रहा है, ठीक है। और देखो ध्यान से यहाँ पर ये वाला ये दूसरा प्राइमर ये तीसरा प्राइमर यहाँ पर है ना, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से क्लैंप प्रोटो कॉम्प्लेक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसका आर में इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, देखो डीएनए पोल थ्री को ये कैरी कर रहा है जुड़ा हुआ है, क्लैंप प्रोटो कॉम्प्लेक्स का दूसरा आर के साथ देखो कौन जुड़ा हुआ है, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज थ्री जुड़ा हुआ है, ऐसे करके देखो ऐसे करके डीएनए पोल थ्री जुड़ा हुआ है देखो, ठीक है ये वाला। और हम लोग बोलेंगे ये क्लैंप प्रोटो कॉम्प्लेक्स का जो तीसरा जो आर है उसके साथ देखो कौन जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे कौन जुड़ा हुआ है, ये लीडिंग स्ट्रैंड वाला डीएनए पॉलीमरेज 3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप ही लोग समझिए, देखिए यहाँ पर ये लूप बनने से क्या फायदा हुआ, लूप बनने से ये फायदा हुआ कि क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का जो आर्म है, ठीक है, जो जिसका लेंथ लिमिटेड है वो स्ट्रेच नहीं किया, ठीक है, देखो यहाँ पर स्ट्रेच नहीं किया किसका आर्म, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का आर्म, यही रीजन है कि यहाँ पर क्या बन जाता है, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में लूप बन जाता है। इस लूप बनने का फायदा क्या होगा, आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज 3 या पोल 3 और क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का एक दूसरे के सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का आर्म स्ट्रेच नहीं करेगा, क्योंकि इसका आर्म क्या चीज है, इसका आर्म का जो लेंथ है वो लिमिटेड है, इसीलिए ये लूप का फॉर्मेशन होता है, और इस लूप को बोलते हैं ट्रॉम्बोन लूप, और ये मॉडल को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे ट्रॉम्बोन लूप मॉडल, क्या बोलेंगे ट्रॉम्बोन लूप मॉडल। ट्रॉम्बोन क्या होता है, तो देखो ट्रॉम्बोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसको आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं,
उसमें भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक लूप बनता है उस म्यूजिकल ये इंस्ट्रूमेंट में, इसीलिए यहाँ पर टर्म दिया गया कहते हैं स्ट्रॉन्ग बोन, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होगा, अब समझिए बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो तीसरा जो आरएनए प्राइमर बना है, ठीक है, ये तीसरा आरएनए प्राइमर जो बना है, ठीक है, इस आरएनए प्राइमर में भी क्या होगा, डीएनए पोल 3 लोड होगा, तो कौन कहां से वो डीएनए पोल 3 आएगा, तो देखो ध्यान से, क्लैंप प्रोटर कॉम्प्लेक्स जो एक्स्ट्रा जो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो रखा था, वही डीएनए पॉलीमरेज 3 कहां लोड होगा, देखो ध्यान से कहां लोड होगा, हम लोग बोलेंगे कहां लोड होगा, ये जो थर्ड प्राइमर है वहां पर क्या होगा, देखो लोड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डॉट 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 करके दिखा रहा हूं, यहां पर देखो कौन लोड हो गया, कौन लोड हो गया, हम लोग बोलेंगे कौन लोड हो गया, कौन डीएनए पोल 3 लोड हो गया, डीएनए पोल 3 लोड हो गया, ये डीएनए पोल 3 लोड हो, लेकिन यहाँ पर बीटा क्लैंप भी तो आएगा ना, ठीक है, तो बीटा क्लैंप किस स्टेट में आएगा, क्लोज स्टेट में आएगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ क्लोज स्टेट में कैसे आ रही है, मैंने बता दिया है मैकेनिज्म, तो कौन बीटा क्लैंप आएगा, यही बीटा क्लैंप यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो जैसे ये बीटा क्लैंप यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इमीडिएटली फिर से क्लैंप लोडर फिर से किसके साथ जुड़ जाएगा, फिर से तुरंत बीटा क्लैंप के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये वाला देखो ध्यान से, ये जो डीएनए पोल 3 है, अब ये डीएनए पॉलीमरेज 3 कहां पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे यहां पहुंच गया, ठीक है। जो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, देखो यहां मिटा दे रहा हूं और यहां पर इसको ऐसे करके दिखा दे रहा हूं, ये वाला ये इस आरएम से जुड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, देखो ध्यान से अब क्या होगा, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 मूव करेगा इस डायरेक्शन में, देखो ध्यान से, देखो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, मूव करेगा इस डायरेक्शन में, और यहां पर जितना भी हम लोग बोलेंगे एसएसबी प्रोटीन है ना, यहां पर देखो एसएसबी प्रोटीन जो है ना, ये सब ये सब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये किक ऑफ करते चला जाएगा, किक ऑफ करते चला जाएगा, ठीक है, मतलब इसको हटाते चला जाएगा, कौन, मूवमेंट ऑफ डीएनए पोल 3। तो ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये सब जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है वो सब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड से हटता चला जाएगा, और हटता चला जाएगा इसका मतलब यहाँ पर कौन मूव करता चला जाएगा, देखो ध्यान से, ये हटता चला जाएगा और यहाँ पर कौन मूव कर रहा है, हम लोग बोलेंगे कौन मूव कर रहा है डीएनए पोल 3 मूव करता चला जा रहा है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, डीएनए पोल 3 डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, डायरेक्ट डीएनए पोल 3 कहाँ पहुंच गया, मूव करते हुए यहाँ पहुंच गया, ठीक है। और किसको हटाता चला गया, हम लोग बोलेंगे किसको हटाता चला गया, सिंगल स्ट्रैंड जो बाइंडिंग प्रोटीन है उसको क्या करता चला गया, हटाता चला गया, कौन, मूविंग डीएनए पोल 3 जो कि मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्लैंप लोडर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पर क्या बनाते हुए जा रहा है, हम लोग बोलेंगे नया डीएनए को बनाते हुए जा रहा है, कौन हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3, ऐसे करके नया डीएनए, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यू डीएनए है, ठीक है, ये न्यू डीएनए है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये जो ये तो यहाँ पहुंच गया ना, इसका मतलब यहाँ पर तो डीएनए पोल 3 रहेगा नहीं, ये आर यहाँ पर रहेगा नहीं, ये यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब ये आर आपका किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है ये बीटा क्लैंप है, जो कि किस फॉर्म में हम लोग बोलेंगे क्लोज स्टेट में है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा देखो ध्यान से, अब ये होगा कि जैसे हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 आगे वाला प्राइमर का 5' इनको हिट करेगा, वैसे ये डीएनए पोल 3 क्या हो जाएगा, यहां से फॉलो अप हो जाएगा, और ये बीटा क्लैंप भी क्या हो जाएगा, यहां से फॉलो अप हो जाएगा। जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज 3 अपने आगे वाला जो आरएनए प्राइमर का जो 5' इंड को हिट करेगा, तो ये डीएनए पोल 3 फॉलो अप हो जाएगा, और बीटा क्लैंप क्या हो जाएगा, फॉलो अप हो जाएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा मैकेनिज्म, जिसको हम लोग बोलेंगे ओका जाके फ्रेगमेंट मैच्योरेशन बताऊंगा, उस टाइम पे बताऊंगा कैसे करके हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हम लोग बोलेंगे ये जैसे ही इसको टच करेगा, किसको टच करेगा, यहां पर ये 5' इंड ऑफ क्या चीज, आरएनए प्राइमर, तो क्या होगा, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 और ये हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3, ठीक है, बीटा क्लैंप से अलग हो जाएगा, ये मतलब फॉलो अप हो जाएगा, डीएनए पोल 3 क्या होगा, फॉलो अप हो जाएगा, बीटा क्लैंप भी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अलग हो जाएगा, ओपन स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। और वही बीटा क्लैंप फिर किसके साथ जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ेगा, जो क्लैंप प्रोटर कॉम्प्लेक्स है उसके साथ जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ रहा है। अब देखो अब इसके आगे क्या होगा, देखो ध्यान से इसके आगे से ये चीज, अब इसके आगे क्या होगा, तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके, इसी यहाँ पर देखो ये वाला क्या चीज है इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, समझ जाइएगा, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे करके, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये वाला क्या चीज है, ये वाला 5' इंड है ये वाला, और ये क्या चीज है 3' इंड है, ये वाला क्या होगा 5', ये क्या होगा बट ऊपर से 3' होगा, ठीक है। ऊपर वाला क्या, ये वाला क्या चीज है, लैगिंग स्ट्रैंड है, ये वाला लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है। और नीचे वाला क्या चीज है, लीडिंग स्ट्रैंड है, हम लोग जानते हैं ये क्या चीज है, लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है ना।
लीडिंग स्ट्रैंड में देखो, लीडिंग स्ट्रैंड में क्या चीज है, देखो एक ही आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ है 5 प्राइम से, क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम ओएच। यहां से फिर क्या हुआ, देखो नया डीएनए का सिंथेसिस होता चला गया है, होता चला जा रहा है ठीक है। और ये जो नया डीएनए का सिंथेसिस जो करवा रहा है, उसको करवाने वाला जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3, जिसको मैं यहां पर बना दे रहा हूं। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, डीएनए पोल 3 है, ठीक है। ये वाला क्या चीज है, डीएनए पोल 3, इसका अल्फा सबयूनिट किसके साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ा हुआ है, बीटा क्लैंप के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये न्यू डीएनए का सिंथेसिस होता चला जा रहा है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, न्यू डीएनए है, ठीक है। ये तो था लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में, ठीक है, ये तो था लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में। अब ये क्या चीज है, लैगिंग स्ट्रैंड, देखो ये वाला तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके, ये प्राइमर है, यहाँ पर क्या है 5' 3' OH होगा, ठीक है, 5' 3' OH होगा, ठीक है। ये वाला देखो प्राइमर को यहाँ पर बना रहा हूँ, ये दूसरा वाला प्राइमर देखो यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ये क्या चीज है 5' 3' OH होगा। ये तीसरा वाला जो प्राइमर है ये यहाँ चला जाएगा, देखो ध्यान से, ये यहाँ चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ आ जाएगा ये तीसरा वाला प्राइमर 5', यहाँ क्या है 3' OH। और अब हेलिकेस, देखो हेलिकेस क्या करेगा, ये वाले स्टैंड को भी तो खोलेगा, चौथा वाला पोजीशन, ठीक है, चौथा वाला पोजीशन का जो प्राइमर होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये वाला प्राइमर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्या होगा 5', यहाँ पर क्या होगा 3' OH, ठीक है। उसी तरह और भी आगे अगर प्राइमर बनेगा, मान लो यहाँ पर हम लोग फिफ्थ पोजीशन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, प्राइमर बनेगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लूप बनेगा। तो ये वाला देखो ये प्राइमर है, ये वाला प्राइमर है, ये वाला तीसरा प्राइमर है, और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे चौथा प्राइमर, क्योंकि हेलिकेस खोल दिया, हेलिकेस क्या डीएनए के स्ट्रैंड को खोल दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर मैं ऐसे नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ये पहला वाला प्राइमर था, ये दूसरा वाला प्राइमर है, ये तीसरा वाला प्राइमर है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे चौथा वाला प्राइमर है, ठीक है। और हेलिकेस क्या चीज है, मूविंग हेलिकेस है, हेलिकेस तो रुकेगा नहीं, वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे मूव करता चला जाएगा इस डायरेक्शन में हेलिकेस, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाला जैसे हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 पहला वाला प्राइमर के हम लोग बोलेंगे 5' एंड को हिट करेगा, तो क्या होगा, फॉलो हो जाएगा, गिर जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, बीटा क्लैंप के अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिखेगा हमको, यहाँ पर क्या दिखेगा, ये प्राइमर, दूसरा प्राइमर और पहला प्राइमर के बीच में क्या दिखेगा, नया डीएनए का सिंथेसिस हम लोगों को दिखेगा, ये वाला, ठीक है। देखो ऐसे करके इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, न्यू डीएनए, ठीक है, ठीक है, यही हो रहा है कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसका एक आर्म हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड वाला जो डीएनए पॉल है उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स के पास क्या हम लोग बोलेंगे, रिजर्व क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, बीटा क्लैंप प्रेजेंट होता है, जो किस स्टेट में रहता है, हम लोग बोलेंगे ओपन स्टेट में रहता है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ना, देखो दूसरा वाला प्राइमर से जो डीएनए पॉलीमरेज 3 जब सॉरी तीसरा वाला जो प्राइमर से जो डीएनए पॉलीमरेज 3 दूसरा वाले प्राइमर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब इधर से इधर मूव कर रहा है, तो जैसे ही ये डीएनए पॉलीमरेज 3 हम लोग बोलेंगे दूसरा वाला प्राइमर का हम लोग बोलेंगे 5' एंड के साथ हिट करेगा, तो ये क्या होगा, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 भी क्या होगा, फॉलो हो जाएगा, ठीक है, फॉलो हो जाएगा। इसका मतलब तीसरा और दूसरा जो प्राइमर के बीच में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, नया डीएनए का सिंथेसिस होगा, देखो ऐसे करके, ये क्या चीज है, न्यू डीएनए, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यू डीएनए है, ठीक है, ये वाला क्या, न्यू डीएनए, ठीक है। और ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या आरएनए प्राइमर है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए प्राइमर दूसरा पोजीशन पे है, ये तीसरा पोजीशन पे तीसरा आरएनए प्राइमर, देखो इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, चूंकि ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का जो आर्म होगा वो हम लोग बोलेंगे कैरी करता है, क्या चीज को हम लोग बोलेंगे, क्या चीज को कैरी करता है, डीएनए पोल 3 को कैरी करता है, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, डीएनए पोल 3 है, इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो डीएनए पोल 3 है ना, वो डीएनए पोल 3 और बीटा क्लैंप तुरंत इसमें लोड होगा, हम लोग बोलेंगे चौथा जो प्राइमर है वहां पर लोड होगा, देखो ऐसे करके, ठीक है, लोड होगा तो फिर कैसा दिखेगा, देखो ऐसे करके दिखेगा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, बीटा क्लैंप है, जो कि क्लोज स्टेट है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, ऐसे करके इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये डीएनए पोल 3 मूव करेगा और क्या करेगा, यहाँ पर जितना भी हम लोग बोलेंगे एसएसबी प्रोटीन है उसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे किक ऑफ करेगा, मतलब इसको हटाता चला जाएगा एसएसबी प्रोटीन को, ठीक है, और हटाता चला जाएगा और क्या करता चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या करता चला जाएगा देखो यहाँ तक पहुंच गया, ये मूव करते करते ऐसे करके, मान लो यहाँ तक पहुंच गया, और क्या करता चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे नया डीएनए का सिंथेसिस करता चला जाएगा, ठीक है। ये सब हट गया, कौन, हम लोग बोलेंगे एसएसबी की प्रोटीन, जैसा यहाँ हुआ था वैसे हम लोग बोलेंगे सेम यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये सब हट गया, तो क्या बन गया, देखो यहाँ पर क्या बन गया, हम लोग बोलेंगे नया डीएनए बनाता चला जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, न्यू डीएनए।
और ये वाला लूप जो बन रहा है उस लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, उस लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रॉम्बोन लूप, क्या बोलेंगे, ट्रॉम्बोन लूप। ठीक है, इसी तरह हम लोग बोलेंगे चलता चला जाएगा। इसी तरह फिर क्या होगा, देखो ध्यान से, फिर हेलिकेज क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, जो फिफ्थ पोजीशन वहां पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर बनेगा, फिर से वहां पर लूप बनेगा, फिर आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा हेलिकेज, जो सिक्स पोजीशन होगा वहां पर प्राइमर बनेगा और फिर से ये लूप बनता चला जाएगा, और ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन का एलोंगेशन होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी लूप को हम लोग बोलते हैं ट्रॉम्बोन लूप, और इसी मॉडल ऑफ इलोंगेशन ऑफ रेप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉम्बोन लूप मॉडल ऑफ इलोंगेशन ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। याद रखना, तो वही मैंने हेडिंग लिखा है, क्या चीज, देखो यहाँ पर लूप बना ट्रॉम्बोन लूप, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रॉम्बोन लूप मॉडल या डायनेमिक्स ऑफ इलोंगेशन, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जितना भी चीज हो रहा है सारा का सारा डायनेमिक्स है, सारा का सारा मतलब डायनेमिक पोजिशन पे, कोई स्टैटिक है नहीं, इसीलिए इसको डायनेमिक्स ऑफ इलोंगेशन भी बोलते हैं। लूपिंग मॉडल ऑफ इलोंगेशन इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पर लूप बनता है, किसमें हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड पे। और हमेशा याद रखिएगा, सीरियस एंड जीआरएफ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछेगा कि लूप का जो फॉर्मेशन होता है, ट्रॉम्बोन लूप का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन सा डीएनए के स्ट्रैंड में होता है, याद रखना लैगिंग स्ट्रैंड में होता है। ठीक है, या उस तरफ होता है जहां पर हम लोग बोलेंगे मल्टीपल प्राइमर का फॉर्मेशन होता है, इस चीज को याद रखना। क्यों लूप बनता है, इसीलिए लूप बनता है क्योंकि अगर लूप नहीं बनेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या क्या, अगर लूप नहीं बनेगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो इसका जो आर्म होता है, ठीक है, किसका, क्लैप रोटर कॉम्प्लेक्स का, उसका जो आर्म होता है वो उसका लेंथ लिमिटेड होता है। ठीक है, तो इसका आर्म चूंकि स्ट्रेच नहीं कर सकता, एक्सटेंड नहीं कर सकता, ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि लैगिंग स्ट्रैंड में क्या बनाना पड़ता है, लूप बनाना पड़ता है, जिसको ट्रॉम्बोन लूप बोलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे इसका आर्म स्ट्रेच भी नहीं होगा, डीएनए पॉलीमरेज थ्री भी इसके क्लोज, मतलब ये इसके क्लोज रहेगा, और हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर भी क्या रहेगा, क्लैंप रोटर कॉम्प्लेक्स के क्लोज में रहेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो सब कुछ एक दूसरे के क्लोज, मतलब क्लोज प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर लूप बना। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन मैकेनिज्म, और क्या बोलते हैं, ट्रॉम्बोन लूप मॉडल। अब देखो, अब होगा क्या, अब मैं यहाँ पर एक फाइनल डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि इसके बाद क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये वाला पोर्शन को, और मैं यहाँ पर फाइनल डायग्राम एक बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो इसके बाद मैं फाइनल एक डायग्राम बनाता हूँ, देखो वो यहाँ पर मैं बनाया हूँ। ठीक है, ये वाला क्या चीज है, 5' to 3' है, यही वाला 5' to 3'। ठीक है, और ये क्या चीज, ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड है 3' to 5'। देखो ये वाला नीचे वाला 3' to 5'। देखो ये वाला जो स्ट्रैंड है वो क्या चीज है, लैगिंग स्ट्रैंड है, तो इसमें क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे ये वाला स्ट्रैंड क्या चीज है, लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीपल आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये वाला स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर सिंगल आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर कंटिन्यूस हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या बना है, डीएनए का सिंथेसिस हुआ है, किसमें, लीडिंग स्ट्रैंड में, ऐसे करके कंटिन्यूस हम लोग बोलेंगे डीएनए का जो न्यू डीएनए का सिंथेसिस हुआ है, किसमें, हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड में न्यू डीएनए का सिंथेसिस हुआ है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, डीएनए का सिंथेसिस तो हुआ है लेकिन हम लोग बोलेंगे फ्रैगमेंट्स में हुआ है। देखो ध्यान से, ऐसे करते हैं, यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस हुआ है, फिर यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस हुआ है, फिर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस हुआ है, फिर अगर इस तरफ मान लो क्या चीज है, इस तरफ हम लोग और भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे फिफ्थ पोजिशन पे क्या बना होगा, आरएनए प्राइमर बना होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस हुआ होगा, ऐसे करके। ठीक है, इस डायरेक्शन में डीएनए का सिंथेसिस हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सब क्या, हम लोग बोलेंगे न्यू डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है फ्रैगमेंट्स में। ठीक है, तो ये जो फ्रैगमेंट्स होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, जो कि कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, ये भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, ये भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, डीएनए का जो नया डीएनए बना है उसका जो फ्रेगमेंट, उसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। इसका लेंथ कितना होता है, याद रखना इसका लेंथ होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स 1000 से लेके हम लोग बोलेंगे 2000 क्या चीज, बेस पेयर लॉन्ग। ठीक है, मतलब इसमें कितना हम लोग बोलेंगे बेस पेयर रहेगा, हम लोग बोलेंगे 1000 से 2000 हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा, बेस पेयर लॉन्ग रहेगा ये नया डीएनए जो बना है लैगिंग स्ट्रैंड में, जो फ्रेगमेंट्स में बना है। ठीक है, तो ये मतलब ये था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसके आगे वाला मतलब फाइनल डायग्राम यही होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगले लेक्चर में क्या बताऊंगा कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का मैच्योरेशन कैसे होता है, मतलब देखो ये सब तो आरएनए प्राइमर है ना, ये आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ेगा क्योंकि आरएनए प्राइमर इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्या डीएनए, तो वो कैसे हटेगा, वो सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैच्योरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, उसमें आता है ये सब सारा का सारा। और एक चीज देखो, ये जो मैं बताया था वो तो मैं वन हाफ के बारे में बताया था, वन हाफ का मतलब देखो ध्यान से, ये जो स्टार्टिंग में क्या डायग्राम था, ऐसे करके डायग्राम था, देखो ध्यान से, ठीक है, ऐसे करके डायग्राम था, ये दो पार्ट में मैं ऐसा डिवाइड किया था, याद करो, ये वाला कौन सा पार्ट था, ए था, ये कौन सा था, बी था, ये कौन सा था, सी था, ये डी था,
ये वाला पार्ट क्या था, हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड था, याद कीजिए लीडिंग था। ये भी क्या था, हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड था, ठीक है। ये वाला क्या था, लैगिंग स्ट्रैंड था, और ये क्या था, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड था, ठीक है। ये जितना भी इधर डायग्राम बनाया हो, ये सारा का सारा ये वाला पोर्शन के बारे में बताया हूँ, इस तरफ वाला पोर्शन के बारे में बताया हूँ। जैसा इधर चलेगा वैसे हम लोग बोलेंगे इधर चलेगा, इधर जो लूप बनेगा वो कौन से स्टैंड में बनेगा, इस तरफ लैगिंग स्टैंड में बनेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना। और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे ये सर्कुलर डीएनए है ना, अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन मैकेनिज्म और ट्रोम्बोन लूप मॉडल और डायनामिक्स ऑफ इलोंगेशन और लूपिंग मॉडल ऑफ इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स, किसका हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का, ठीक है। तो ये खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या चीज, ये मैच्योरेशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।